बहुत बुरा एक्सपीरियंस भाई, टोरंटो पहुंच चुका हूँ। तुसी जा रहे हो फिर? तुसी जा रहे हो तुसी? मैंने दो तीन वीडियोस पहले कहा था कि एक पंगा हो गया था और फिर उस वीडियो में बताना भूल गया पंगा क्या था। अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको भाई यार जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, एक और नया दिन कैनेडा में। आज की वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम आए हैं वॉलमार्ट सुपर सेंटर कनाडा में। यूएस में वॉलमार्ट बहुत ज़्यादा होता है और आज हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वॉलमार्ट के अंदर और $100 के अंदर हमें वॉलमार्ट से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। हमने लगाना है $100, शायद थोड़ा ऊपर हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और $100 में हम देखेंगे वॉलमार्ट के अंदर से हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, कोई छोटी मोटी मज़े की। यहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, चिप्स डिप्स फलाने टिमकाने बिस्किट ये वो। आपको क्या लगता है वॉलमार्ट से हमें $100 के अंदर कितना सामान मिल सकता है? एक ट्रॉली भर जाए भारतीय वाफर चीजें आएंगी। अच्छा जी, वाफर चीजें आएंगी। यार उस दिन हमने $24 में 5 चिप्स लिए थे, लेकिन अगेन हमने थोड़ा सा किया था, लेकिन अब भी ओके अच्छा सामान आएगा। चले जी चेक करते हैं। मैं कह रहा हूँ पता है $100 में यहाँ पे कितना सामान आता है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, $1 की हमने ट्रॉली लेनी है। $1 की इसलिए क्योंकि जब लोग वापस जाते हैं तो वो अक्सर आपने मेट्रो या सर जगहों पे देखा होगा बाहर हम ही छोड़ जाते हैं, तो इन्होंने $1 रखा है कि आप यहाँ से निकालो, जब वापस जाओगे तो गाड़ियों के पास जो रैक है वहाँ जब वापस ट्रॉली फिट करोगे तो आपको $1 वापस मिल जाएगा। मतलब $1 आपकी इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो थोड़ी देर के लिए ताकि कुछ इंसान बनो। ले जी ये डॉलर यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया और ये चेन इससे अलग हो गई है, अब जब इसको जाके कहीं और फिक्स करेंगे तो डॉलर निकल आएगा। वॉलमार्ट इज ह्यूज। अच्छा जनाब, ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ना वो चिप्स के साथ डिप्स बहुत मिलती हैं, तो वो डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, इस तरह की हम चीज़ें उठाते हैं। हमने इतने पैसों में चीज़ें देखना है क्या क्या हमें मिलता है यहाँ पे, चॉकलेट्स चिप्स ड्रिंक्स फलाना टिमकाना जो जो हमें मिल सकता है ना। ऐसा नहीं है कि वॉलमार्ट में सिर्फ आपको इंग्लिश चीज़ें मिलेंगी, वॉलमार्ट में ये चेक करो, मसाला गुड़ उसके अलावा ये पेसी गुड़। सबसे पहले ये लेन, देसी है ओके जी, ये सबसे पहला रैक जो है वो देसी चीज़ों का है, देसी के अंदर इंडियन पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ें, देखो रूह अफजा पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम उठाते हैं जी $1.7 की हल्दीराम की निमको। हमने सिर्फ एक निमको उठाई है, अदरवाइज़ यहाँ पे निमको की पूरी वैरायटी है, बट हमें थोड़ा लिमिटेड रहते हुए कुछ मज़े की चीज़ें उठानी है। ये देखो गोलगप्पे भी होते हैं यहाँ पे, नमक पारे गोलगप्पे। अब ये सेक्शन है कुकीज़ बिस्किट्स गम्स कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ों का, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। ठीक है, कैंडीज सारी यहाँ पे, गम्स हैं। ओके इसमें दो फ्लेवर्स हैं, एक अच्छा मैं बताता हूँ, सेम है ये क्रीम चुई है, ठीक है ये हार्ड वाली है। यार अंदर में काला चश्मा लगा के क्यों घूम रहा हूँ मैं, अपनी दूसरी ग्लासेस जो है वो गाड़ी में भूल आया हूँ, तो इसके बगैर मैं अंधा हो जाऊँगा, इसलिए मुझे लगानी पड़ रही है। ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है लिंड, यहाँ की चॉकलेट्स की, ये भी उठाते हैं। कौन सी उठाऊँ इसमें से? हेज़लनट मेरी फेवरेट है, वाइट चॉकलेट वाली जो है। ठीक है तो एक और। ओके अच्छा, अभी वॉलमार्ट के अंदर आपको इस तरह की चिप्स की पैकिंग मिलती हैं, अब इसके अंदर चार गें और ये कितने का टोटल? $9 का। अच्छा भाई, अब ये सीन होता है वॉलमार्ट में, जिस तरह ये डिफरेंट चिप्स पड़े हुए हैं, अक्सर ये वाले हैं जो मैंने उठाया है ये, अब ये प्लेन चिप्स आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ वॉलमार्ट में मिलती हैं इस तरह डिफरेंट डिप्स हैं। अब ये है जी सालसा माइल्ड, और इधर पड़ी हुई है हमारे पास सालसा मीडियम। आगे ये कौन सी है? ये चीज़ के साथ हमें ये मेयोनीज है, ये $4 $3 for $9 है $9 में 3 मिलेंगी। ओके ओके सो यहाँ पे इस तरह से हलाल सेक्शन होता है डिफरेंट, ये इस पे लिखा हुआ है हलाल, तो ये लेकिन बनाने वाली चीज़ें, हम जरा क्विक सा सामान पकड़ रहे हैं। यार पैसे तो देख लो कितने हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कितने हो गए हैं, पता लगे $500 बिल बनाओ। क्यूट बेबी सेक्शन, लेकिन इससे हमारा अभी कोई काम नहीं है। मैंने कहा पहले चेक कर लें जरा कितने पैसे हमारे हो चुके हैं, ये बिल हमारा ऊपर जा रहा है हमें पता ही ना हो, ये यहाँ पे स्कैनर लगा होता है, आप वहाँ पे लाओ अपनी चीज़ को चेक करो। $2.47 हमारे हो चुके हैं टोटल अभी तक $69, मतलब हमारे पास अभी काफी सामान लेने का है। $31 पड़े हमारे पास। यार ये एक 75 इंच वाली एलईडी ना ले ले, $100 में आ जाएगी यार।
उन्होंने लिखा हुआ लो प्राइस $9.98 के लिए। ये हम पहुंच चुके हैं जी आइसक्रीम सेक्शन में, और क्या क्या नस्ल की यहाँ पे आइसक्रीम पड़ी, मतलब जो फ्लेवर आपको दुनिया में पसंद है। लो मलाई कुल्फी इधर पड़ी है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, क्या आइसक्रीम आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगी। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा आइसक्रीम ब्रांड है जो कनाडा में बहुत चलता है? दो है, बेन एंड जेरी, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा एक हैगनडाज़ का, और ये क्या है जी, मौका चीज केक। उसके बाद एक हम लेंगे, ये कौन सा जी, बनाना सिनेमन आइसक्रीम विद एलमंड टॉफी क्लस्टर, ये है $4.97 की, और ये है $5.97 की। $11 हमने इधर इकट्ठे बढ़ा दिए। अच्छा, ऐसे बड़े बड़े पैक्स भी होते हैं, जिस तरह ये $6 का है और इसके अंदर है 8x 120 ml, 4 वनीला 4 कैरेमल आइसक्रीम, तो 8 का ये पैक है। इस तरह ये देखो, ये सैंडविच आइसक्रीम बहुत मजे की होती है यार। ये ट्राई करना है यार, ओरियो बिस्किट के अंदर आइसक्रीम है, ये ले लेते हैं एक, $6.27। लास्ट पार्ट में हम पहुंच चुके हैं, और वो है ड्रिंक्स। यहाँ पे ड्रिंक्स की डिफरेंट, मतलब रेड बुल है तो रेड बुल के अंदर 8 फ्लेवर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें उठाते हैं जरा। कौन कौन सा आपने ट्राई किया रेड बुल? मैंने यार इसमें वो येलो वाला एडिशन किया हुआ है, ये वाला। हाँ जी, आ गया। और ये कौन सा है? इसमें रेड बुल पीच एडिशन, ये भी ले लेते हैं। ये रेड कौन सा है? ये पोमीग्रेनेट आई गेस, ये नहीं। अच्छा, ये कौन सा है? ये ले लिया ना, ये वाला तो जी। ग्रीन क्या है भाई? ग्रीन एडिशन ड्रैगन फ्रूट, ट्राई करेंगे ना? मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता। 3 रेड बुल्स। ओके, सो वॉलमार्ट में इस तरह डिफरेंट सेक्शन होते हैं, ये स्कैनर लगा हुआ है, आप खुद अपनी चीज़ें स्कैन करते जाओगे और जो बिल बनेगा यहीं से आप पे कर दोगे। देखते हैं क्या बिल बना है। कितने हो गए जी टोटल? अभी तक हो चुके हैं $81। हेलो, मुकाबला काफ़ी सख्त हो चुका है, $97 हो गए हैं, और अभी ये रहता है और 3 हमारी मेन डिप्स रहती हैं, $101 यार। हम 100 क्रॉस कर गए यार, शिट। लेकिन कोई नहीं, अब जो चीज़ें लिए वो लेनी है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, $114.5 हमारा टोटल बिल बना है जी, $114.14। हो गई है जी हमारी चीज़ें, अब ये सब कुछ है जो हमें मिला है $114 के अंदर। ये सब घर लेके चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं ये। ये एक ट्रैवल बैग मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ से जो सामान है मेरा ज़्यादा हो चुका है, तो ये एक एक्स्ट्रा ले लिया जो कि इस बिल से अलावा है। ये मैंने बिल में नहीं डाला है ना, समझने $100 के अंदर ही आया है। ये देखो जी, अब ये यहाँ लगाया और ये यहाँ से होगा लॉक, और ये हमारा $1 वापस। ये अच्छा तरीका है यार, पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब जिस तरह सिक्योरिटी टोकन है ये, कि आप अपना वापस तमीज से लगा के जाओ और $1 अपना ले लो। ओए होए होए होए, बाहर धूप में बैठने का जो मज़ा है ना, इस टाइम -2-3 है, माइनस सुबह -5 था, अभी पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा, -2 इस टाइम में जी। -2 हमारे पास है, $114 ना। हाँ जी, किया तो हमने $100 था, $14.5 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया यार। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोका कोला डार्क ब्लेंड, ये हमने पहले भी पी है। ओए होए होए, ये इतनी कोई क्लासिक चीज़ है ना, आप सोचो कोका कोला पी रहे हो लेकिन पीते हुए साथ एकदम से आपको डार्क ब्लेंड एक्सट्रीम कॉफ़ी का एरोमा फील होता है। कॉफ़ी लवर्स के लिए ये इतनी मज़े की चीज़ है, अगर आप कहीं किसी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ये मिलती है, मस्ट ट्राई अगर कॉफ़ी लवर। क्या ट्राई करें सबसे पहले? स्नैक्स में शुरू करते हैं मेरा ख्याल, ठीक है, डिप्स के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है जी, डिप्स हैं टोस्टीटोज साल्सा माइल्ड। खोलें जी, कौन सी चिप्स आप कह रहे थे इसके साथ खाने वाली है? ये जो नीचे पड़ी है ये भी टोस्टी टोज की है, और ये भी टोस्टी टोज की है, तो वो उन्होंने अपनी डिप्स जो है वो अलग से दी हुई है। जबरदस्त यार, बड़ा बेहतरीन किस्म का सीन मान रहा है ये। इसमें टेस्ट आ रहा है इस तरह से
भर के आहा। फिलिपिनोज अनियन हाँ वैसे ट्राई करेंगे, फिलिपिनोज अनियन टमाटो, ज़्यादा टमाटर की चटनी जैसे होती है। दूसरी सॉस इसके साथ हम ट्राई करेंगे मीडियम, हमें हॉट नहीं मिली थी है ना। स्पाइस लेवल थोड़ी तेज है ये, हल्का सा हाँ सावरनेस एक्स्ट्रा है और स्पाइसी थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा नहीं। अखीर मज़ेदार, मतलब आपको लगता है टमाटर की चटनी खट्टी और साथ में स्पाइसेस, इस तरह की फील है। हाँ जी चलें अगली चीज की तरफ। एक सॉस हमारी रहती है okay. तीसरी सॉस ये है हमारे पास मायोनीज के साथ है। ओके ये टोस्टिटोस की है। क्या है जी ये? साल्सा कॉर्न क्वेसो मेयोनीज। हाँ जी आई मीन इसमें वो चेडर चीज का टेस्ट आएगा। ठीक है ओ जिस तरह मेल्टेड चीज नहीं बाद में एक फील देती। पहले हमने ट्राई की थी कोका कोला डार्क ब्लेंड जो मेरी फेवरेट है ऑनेस्टली, इतना मजे का वो कॉफी अरोमा देता है। अब ये कोका कोला वनीला, ठीक है वनीला कॉफी, तो अच्छी है। एग्जैक्टली वनीला का जो एक अरोमा होता है ना वो फील होता है, वनीला आइसक्रीम नहीं प्योर वनीला आइसक्रीम होती, उस तरह की एक फील आपको आती है साथ में कोका कोला का। दोनों में टेस्ट पूरा आपको ऐसा लगता है कि दो टेस्ट आपके मुंह से गुजर रहे हैं, एक एग्जैक्ट कोका कोला और एक साथ में जो वो उसका वो डार्क ब्लेंड है वो ज्यादा फेवरेट है, ये बस नॉर्मल, मतलब इसमें कॉफी हाँ, की फील नहीं आती, कॉफी की फील नहीं है, ऐसा लगता है मीठा सा वो वनीला सूंघ लिया मैंने। वर्दर्स ओरिजिनल, ये आपको याद होगा बचपन में पाकिस्तान में हम लोग खाते होते थे बटर स्कॉच, तो बटर स्कॉच की ये टॉफीज हैं, इनको खोलते हैं यार, मैं बड़ा मिस किया है सारी उम्र मैंने इस टॉफी को। ये इसके अंदर इसकी दो वेरिएंट्स है, तो ये कैरमल क्रंच वाली है, ठीक है एक वो च्यूई वाली भी होती है। हाँ एक वो जिस तरह च्यू आप करते हैं ना वो चुबाने वाली एक होती है, एक ये है जरा कड़क ले जी। ओए होए इसके साथ तो यादें जुड़ी हुई हैं यार बचपन की, वही ब्लेंड हो रही है लेकिन सारे टेस्ट आज मिक्स होंगे खैर है, लेकिन ये है वही। कैलगिरी में मेरा आखिरी दिन क्या आखिरी एक दो तीन चार तीन घंटे तकरीबन, आज है मेरी फ़्लाइट यहाँ से टोरंटो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, और फिलहाल घर से निकलेंगे कुछ हल्का फुल्का खाएंगे फिर एयरपोर्ट जाऊंगा और फिर हम पहुंचेंगे आज इंशाल्लाह टोरंटो। और मैंने दो तीन वीडियोस पहले कहा था कि एक पंगा हो गया था और फिर उस वीडियो में बताना भूल गया पंगा क्या था, तो वो कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी पहुंचता हूं एयरपोर्ट पहुंच के बताता हूं आपको, अभी रास्ते में थोड़ी सी लंबी बात है वहां बैठ के तसल्ली से आपको बताता हूं। क्या प्लान है अभी, हम पहले कहां जा रहे हैं? हम पहले जाके फिश टैकोस खाएंगे। फिश टैकोस? यस। ठीक है एंड देन इंशाल्लाह एयरपोर्ट और फिर टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। तुसी जा रहे हो फिर? तुसी जा रहे हो तुसी टाकोस खाने के लिए पहुंच चुके हैं। और क्या हाजा हलाल? वी आर गोइंग फॉर फिश टाकोस हाजा हलाल फ्रेश अदीला फ्रेश टॉर्टिला डियर फूड कैफे। चलें जी। ओए खुशबू आई है यार। हाय यार कैफे तो बड़ा अंकल ने डिजाइन किया हुआ है, बड़ी चीजें चूजें लगा के मैक्सिकन पूरे अगले ने थीम शीम दिया है, फुल माहौल बनाया हुआ है। किधर बैठे? टाकोस हमारे आ चुके हैं और ये जो रेस्टोरेंट है ये है भी मैक्सिकन, बंदा भी मैक्सिकन है और उन्होंने लिखा भी हुआ है कि रियल मैक्सिकन टेस्ट, और हम उसी तरह बनाते हैं जिस तरह हम मेक्सिको में बनाते हैं, और ये सारा फ्रेश हुए हुए खा पी के निकल रहे हैं अभी। यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर होगा? मैक्सिमम दस मिनट। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ जो मैं पंगा बता रहा था आपको। पंगा भाई ये हुआ कि मैंने अपना ट्रिप प्लान किया हुआ था कुछ दिन कैलगिरी में और कुछ दिन टोरंटो में, बीच में मेरा मूड बना इधर से वैंकूवर निकलने का ये वो, लेकिन इतने ज़्यादा दिन नहीं थे, प्लस जो है वो विंटर ब्रेक थी जिसकी वजह से फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा महंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से वैंकूवर की फ़्लाइट होती है $150-$200 की, आजकल वही हुई थी $1,000 $1,100 $1,200 इस टाइप की, तो इतना दिमाग नहीं ख़राब। और दूसरा इजी में इसलिए हो गई, ठीक है इतने सालों का वीज़ा इंशाल्लाह दोबारा आ जाऊँगा वैंकूवर साइड ये सब कुछ तब देखूंगा। मेरा ये प्लान था कि 4-5 दिन कैलगिरी 4-5 दिन टोरंटो और फिर टोरंटो से थोड़ा बहुत इधर उधर निकलने का। मैंने बुक की हुई थी एयर कैनेडा और कुछ 3-4 दिन पहले एयर कैनेडा की ईमेल आई कि आपका ट्रिप जो है वो हमने चेंज कर दिया है, फ़्लाइट डिले हो गई है और अब फ़्लाइट है फ़लानी तारीख को इतने बजे।
तो सारा प्लान तो वहीं पे हिल गया ना कि कुछ दिन जो टोरंटो में थे, कुछ चीज़ें करनी थी, वो सब कुछ उस फ्लाइट की वजह से ख़त्म। वो एयर कैनेडा को कॉल की कि ये इस तरह मसला है, तो आप हमारी फ़्लाइट पीछे कर दें किसी और दिन में। तो वो कहते जी पॉसिबल है, लेकिन आपने बुक की हुई है kiwi.com के थ्रू, तो उनको करो। सनी भाई ने kiwi वालों को कॉलें की, वो क्या कहते जी? कहते कि जी नहीं जी, हम नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। और वो मतलब फिल्में करवा रहे थे, फिल्में कराई जाए। तो खैर फिर इसलिए कैलगरी में कुछ एक्स्ट्रा दिन हम फंस गए, तो ये वाला रौला हुआ। अब आज फ्लाइट थी सुबह 1 बजे, और सुबह सुबह फिर ईमेल आई जी एयर कैनेडा की कि आपकी फ़्लाइट डिले होगी। वो शुक्र है 2 घंटे डिले हुई है, अब 3:30 बजे। तो 1 बज गया बस यहाँ से एयरपोर्ट पास ही है। ये वाला पंगा था यार जो मैं आपको बता रहा था कि अक्सर लोग टोरंटो से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि टोरंटो आओ, टोरंटो टोरंटो मैंने अब तक एक्सप्लोर कर रहे होना था, लेकिन फ़्लाइट डिले हुई, वो मेरे हाथ में नहीं था। तो इस तरह से हमारा ट्रिप थोड़ा सा जो प्लानिंग थी वो ख़राब कर दी उन्होंने। ओके जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, थैंक यू। आवाम कह रही थी सनी भाई जैसा कज़न चाहिए हमें, तनु सिर्फ कैनेडा से चाहिए, कितने भी चाहिए। खैर यार थैंक यू सो मच। हम तुसी पाकिस्तान आओ या मैं समर्च इंशाल्लाह फिर आ रहे हैं। अच्छा भाई अभी जाएंगे अंदर। एक बैग जो है वो मेरा पहली फ्लाइट के अंदर, मतलब मैंने पहली परचेज किया हुआ था, दूसरे बैग का मुझे अभी पे करना पड़ेगा क्योंकि 2 बैग्स हो चुके हैं। बोर्डिंग पास ले लिया है और $52 एक्स्ट्रा लगे, एक्स्ट्रा जो बैग था उसके लिए। और अभी हम जाएंगे गेट की तरफ। और यार ये सनी भाई को आपने पूरी सीरीज़ में भी देखा, आजकल के दौर में इस तरह के लोग आपको मिलें ये बहुत रेयर होता है। सबसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम जो है ना, टाइम इज़ मनी भाई आजकल के दौर में। और वो इतना निकालना हर जगह साथ घूमना फिरना, ये वो ऐसे बंदे के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होती है। इवन भाई मेरा जो कैनेडा ट्रिप का प्लान है वो बनवाया ही सनी भाई ने था कि नहीं नहीं अप्लाई करो आओ ये वो, तो वो ये सारा क्रेडिट जो है वो कैनेडा ट्रिप का वो जाता सनी भाई को। कॉफ़ी लिए मैंने स्टारबक्स से, और अगर टिम ह॑ॉर्टन्स से लेता हूँ तो $1.50 की मिलती है, ये $2 की मिलती है, ये मिली है $6.50 की। खैर यार कसम से अब जा तो मैं रहा हूँ टोरंटो, लेकिन एयर कैनेडा ने बड़ा जलील कराया मुझे, मेरा पूरा ट्रिप जो है वो पूरा ट्रिप हिला के रख दिया। ये जो पीछे आपने कुछ 2-3 वीडियोज़ देखी हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्टेंट था, वो कभी भी पार्ट ऑफ प्लान नहीं था। वो वहाँ पर रुकना पड़ा मुझे, वो फ़्लाइट डिले हो गई, फिर कैलगरी में दिन बढ़ गए, फिर हम कुछ मज़े मज़े की चीज़ें करते रहे, बट यस टोरंटो वाले मेरे दिन एयर कैनेडा खा गया भाई। बहुत बुरा एक्सपीरियंस भाई, टोरंटो पहुंच चुका हूं एयर कैनेडा के साथ, मैं कह रहा हूं बहुत बुरा एक्सपीरियंस। उसकी वजह ये पहले डिलेज आपको मैंने बताए ये सारे पंगे, अभी यहां आके 8:59 पे लैंड हुए और 10 बज गए हैं, खड़ा था प्लेन निकल ही नहीं सकते थे, 1 घंटा जहाज़ में बिठाई रखा उन्होंने। यस प्लीज थैंक यू। भूख लगी हुई थी ऐसी टिका के, हालाँकि प्लेन में खाया था मैंने हल्का फुल्का सा स्नैक्स थे, तो इसलिए ये मैंने एक एग एंड चीज़ रैप ले लिया, एक कॉफ़ी ले ली और $6 में, और जो स्टारबक्स से कॉफ़ी ली थी वो अकेली $6 में थी, इधर एग एंड चीज़ रैप और कॉफ़ी। यार कसम से जब जलालत शुरू हो ना तो फिर ऐसी होती है कि हर 2 मिनट पे जलालत हो रही होती है। 8:59 पे लैंड किए थे, 10:20 हो गए तकरीबन, और अब बैग्स नहीं आ रहे, खड़े हैं कि बैग आएँगे, सारी दुनिया के बैग घूम के जा रहे हैं, ये जो हम खड़े हैं इनके नहीं आ रहे। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट जो है ये डाउनटाउन से 30 किलोमीटर्स, तो यहाँ से जाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप टैक्सी ले सकते हो, काफ़ी महंगी पड़ती है, बस चलती है वो भी ठीक है, एक तरीका है ट्रेन जिसमें आप करते हैं $12.25। अगर आप टैक्सी लो तो, क्योंकि डाउनटाउन वाली साइड पर और शहर में जो है बहुत ट्रैफिक होती है तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो भाई लेगा ट्रेन। मेरे दोनों बच्चे और वो सामने साइन है ट्रेन का, एयरपोर्ट के अंदर से कनेक्शन है, आप आते हो उस एरो को फॉलो करते हुए ट्रेन की तरफ पहुंच जाओ।
फाइनली यार थोड़ी सी जलालतों के बाद चेक इन हो चुका है। असल में मैंने इस बार किया एयरबीएनबी, पहली बार एयरबीएनबी चेक इन का लास्ट टाइम था 10 PM और मेरी फ्लाइट डिले होगी, मैं लेट हो गया तो वो जो होस्ट थी उसका मैसेज आया कि आप लेट हो रहे हो तो आज आप कहीं और अकोमोडेशन ढूंढ लो। मैं कहा मेरे पैसे इतना महंगा, ये मतलब पर डे बहुत महंगा है भाई ये, तो मैंने कहा मेरे पैसे रिफंड हो गए ये, वो कहती कोई रिफंड नहीं, हमने तो कहा था कि 10 बजे तक चेक इन कर लो। वो मैं वहाँ से ट्रेन छोड़ी, मैंने ऊबर पकड़ी, ऊबर पे पैसे मेरे ज़्यादा लग गए, लेकिन बजाय इसके कि मेरे इसके वन नाइट के पैसे वो खा जाती, ऊबर पकड़ी मैंने, भागा वहाँ से निकला। खैर आया सुबह रूम टूर दूंगा, अभी तो काफ़ी जलालतों वाला दिन हो गया। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वेलकम टू टोरंटो, और वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़। ये देखो यार, ट्रेन की $12 की टिकट लेके ट्रेन के अंदर बैठ चुका था मैं, जब आंटी का मैसेज आया कि 20 मिनट्स हैं आपके पास, अगर आप पहुँच जाओ तो ठीक है। वहाँ से मैं उठा, भागा, ऊबर पकड़ी। अल्लाह हाफिज़ भाई।